होगी या तो चोरी किए होगे। मैंने कुछ नहीं किया है, बताओ मैं। हाँ मैं सुनूंगी, बताओ। एक दिन में भाई क्या इरादा है? क्या मतलब? मतलब सेना बनना कि पुलिस? जो बन जाऊँ देश का सेवा करूँगा, और सरकारी नौकरी का सपना है। अच्छा, हौसला तो बहुत बुलंद है यार तुम्हारा। हौसला तो बुलंद करना पड़ता है भाई। जी भाई, मान गए भाई, मान गए तुम्हारे। जानते हो मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। मैंने नौकरी की, बहुत ही मेहनत की, पर मेरे को नौकरी नहीं मिली। बेटा अजय, मुझे बहुत चिंता हो रही है। किरण की शादी भी करनी है, देखो कहीं काम वाम ढूंढ लो। नहीं माँ, अब सरकारी नौकरी हो या ना हो, मैं नौकरी जरूर करूंगा और अपनी बहन की शादी भी करवाऊंगा और सारा कर्ज भी उतारूंगा। आप चिंता मत करो। बहन की शादी भी करनी थी और कर्ज भी उतारना था। घर की सारा टेंशन, सारा प्रॉब्लम मेरे ऊपर ही आ गए। बताओ मैं क्या करूं। चाय वाले भाई साहब, आपकी नज़र में कोई काम वाम है क्या? काम धाम का बहुत ही स्थिति खराब है भैया। काम धाम का मत पूछो, पिछला लॉकडाउन लगा था वो तो आदमी झेल लिया किस तरह से। इस बार सुनने मारे दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, और पता नहीं काम धाम रहेगा भी या नहीं रहेगा। पूरा परेशान हो इस वजह से। प्राइवेट नौकरी के लिए थोड़ा भी मिल जाए तो फिर भाई साहब, काम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बाकी आओ बैठो, आपको मैं चाय पिलाऊंगा। नहीं नहीं भाई साहब, थैंक यू। कोरोना के कारण सरकारी नौकरी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिली। दर दर भटका मैं। देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। हेलो हेलो, हाँ जो भैया, मैं गांव से बोल रहा हूँ। आपके पापा का कोरोना से मौत हो गया, आप कोई भी गाड़ी पकड़ पा रहे? पापा खत्म हो गए? नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा पापा खत्म नहीं हो सकता। क्या करूँ, कैसे आऊँ, क्या लॉकडाउन भी आज ही लगना था। लगता है आज सारे पार मेरे ऊपर ही टूट गए। लॉकडाउन को भी आज ही लगना था राकेश, पर मैं घर कैसे आऊं? भगवान, लगता है सारी मजबूरी मेरे ऊपर ही, ये सारी मजबूरी लगता है गरीब को ही झेलना पड़े। Thank you.
नौकरी भी नहीं, ऊपर से लॉकडाउन और कोरोना के कारण पिताजी का देहांत, मेरे किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो गए। बॉस, बड़े काम का चीज लाया आपके लिए। अरे ये क्या, कोई काम का चीज है? तुमने ना सिल्वा कहाँ से डाल लाते हो? रास्ते में अपना किस्मत आजमा रहा था, मैं सोचा चरमा भाई की किस्मत बदल देंगे। एक दिन लॉकडाउन के कारण जब मैं इधर उधर बेरोजगार होकर भटक रहा था, उसी समय मुझे एक सिल्वा नाम का गुंडा मिला और वो मुझे, अच्छा तो आओ वेलकम, बैठो। बस छोटा सा काम बड़ी सफलता से कर देगा तो वो। कितना पैसा चाहिए, 2 लाख, 4 लाख या 10 लाख? चौंक क्यों रहा है? तो क्या करना होगा? एक डॉक्टर है, उसे टपकाना है बस। पैसे का लोभ और मेरी मजबूरी का फायदा उठाया कर्मा गुंडा का गेम। 10 लाख मिलेगा तो ठीक है। ये गोरा पकड़, इसी से डीएन होगा। आज तो फुल मस्ती करो कर्मा भाई। अरे हमारी पार्टी तो डेली होती है। अरे सिल्वा, आज इसीलिए तो पार्टी रखा हूं, गया साला डॉक्टर इस दुनिया से। सांप भी मर गया और लत भी नहीं टूटा, अब समझ में आया। पर रखा जो बोलना है सब साफ बोल। सॉरी बस पीली है ना, जवान है बिछड़ी है, पेंशन चाहे कर लेने जा बस। आज राठौर डॉक्टर के कारण 7 साल मेरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बीती। आज यही अगर बलात्कार को नेगेटिव किया होता ना, आज वो भी जिंदा होता है, वो भी जिंदा होता। बोला था साले डॉक्टर के कर्मा भाई के रिपोर्ट नेगेटिव कर दे, पर मेरा एक नहीं सुना, 10 लाख में आज सलग गया। काहे करेला बेर बेर यही संचूक, कब सकेत हो जाला चुलिया, कबो टूटेला हुक। दुबई से कई दिन भूख राजा चोलिया के, दुबई से कई दिन भूख राजा चोलिया के, बेरी बेरी टूट जाला पीछा मत भूख राजा चोलिया।
दुबई के चोली इतना बड़ा हाई फाई बा, कलवा के माई खातिर वही जा से आइल बा, बाटे स्टैंडर का तू बढ़िया पलूक राजा चोलिया के, बाटे स्टैंडर का तू बढ़िया पलूक राजा चोलिया के, ए राजा चोलिया के दुबई से कई दिन भूख बेवानी से मैं नफरत करता था, आज किस्मत मेरी वही लाके खड़ा कर दी है। नहीं, ये तुम्हारा ड्रामा है, तुम झूठे हो। सर, सरकारी नौकरी क्या, मुझे प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिली, मैं दर दर भटकता रहा, मेरी बहन की शादी भी करनी थी, मैं कर्ज से तंग आकर मैं ये रास्ता चुना। नहीं, पैसे के लिए गलत रास्ते पे चलना और अपने किस्मत को दोष देना ये ठीक नहीं। हौसला रखो, हौसला। तो सुनो, आप आपका दुश्मन कोई कर्मा नाम का, जिसने मुझे 10 लाख की सुपारी दी मारने के लिए। अब मैं तुम्हें उतना ही पैसा दूंगा जितना कि कर्मा ने तुम्हें बोला था, लेकिन तुम इस गंदे रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। और ये गुंडे तो ऐसे ही मासूम को अपना शिकार बनाते रहते हैं। बहुत देर हो गया उस्ताद, रास्ता गया भैंस पानी में और हम लुट गए जवानी में। खबरदार, क्या बोल रहा सिल्वा, साफ साफ बोल। बंदूक लेके भाग तो नहीं गया कहीं? नहीं,
अगर वो काम नहीं किया होगा लौंडा तो उसका काम तमाम मैं करूंगा। भाई सिलवा चीफ कह रहा है बहुत टाइम होगा अभी तक। हाँ यहाँ पे एक लाश पड़ा है रामगढ़ 2 पे, जल्दी से चले आइए। क्या मैं तुम्हारे पीछे बहुत दिन से पड़ा हूँ? और दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे? नहीं, मैं तुम्हारे पीछे बहुत, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत दिन से प्यार, फोन किसको कर रही है? कर रहे ना फोन, फोन किसको कर रही है? अरे मेरी बात तो सुनो, दूर रह, दूर रह, मेरी बात तो सुनो, डोंट टच मी, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आता है मेरी, क्या है भाई? भाई कौन है तू? कौन है तू? तू छेड़ कौन है तू? बस ज्यादा दूर नहीं जाना, कौन है? आइंदा मत पीछे जो, तेरे को देख लूं। अब ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ओह वो आप ही है ना कि आपको कोई मार के फेंक दे तो हम ही, हमने इसको फोन किए थे। ओह आप ही थे क्या? हाँ हम ही थे। थैंक यू। चुरा लिया वो मेरे पास एक दिल था, वो भी तुमने चुरा लिया।